हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम वर्तिका। और आज मैं आपके साथ फिर से कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आई हूँ। किसान लेकर आई हूँ वो है वाटरप्रूफ मेकअप फॉर समर, फॉर डेली रूटीन जो हम यूज करते हैं उसमें आपको मेकअप कैसे करना है और फ्लॉलेस लुक आप खुद को कैसे कर सकते हैं समर्स में भी, तो मैं आज आपको वो ही बताऊंगी। और जिसमें आपको कुछ ज्यादा प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं आजकल मेकअप प्रोडक्ट तो ऑलमोस्ट हर किसी के पास ही आजकल जो होते हैं, मैं उन्हीं में से यूज करके इस लुक को क्रिएट करूंगी। और आपको मेरा ये लुक कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस समर में आप लुक को जरूर ट्राई कीजिएगा फॉर डेली यूज में। आप ऑफिस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, आप इस लुक को नॉर्मल वेयर कर सकते हैं क्योंकि ये कोई हैवी लुक नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको मेरा चैनल देखना पसंद है, मेरी वीडियोज देखना पसंद है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लींजिंग कर लेनी है, उसके बाद टोनिंग कर लेनी है, उसके बाद मॉइस्चराइजिंग भी बहुत जरूरी है। समर्स है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप मॉइस्चराइजर यूज ना करो। मॉइस्चराइजिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है समर्स में। आपकी अगर ऑयली स्किन है या फिर आप ऑयली जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर होते हैं उनको यूज करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। मैं यूज कर रही हूँ VLCC का लविंग मॉइस्चराइजर, ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है। अगर आप मेरी वीडियो पहले से देखते हैं तो मैं इस मॉइस्चराइजर को ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से यूज कर रही हूँ और इसे मैं समर्स में ही यूज करती हूँ, विंटर्स में नहीं करती हूँ। इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है सन एक्सपर्ट। सन एक्सपर्ट आप जरूर यूज कीजिए समर्स में, बट अभी मैं जो यूज कर रही हूँ इट्स अ पॉन्ड्स बीबी क्रीम, तो ऑलमोस्ट इसमें 30 SPF होता है, तो इसीलिए मैं अभी सन एक्सपर्ट यूज नहीं कर रही हूँ। बट अगर आपकी बीबी क्रीम में सन एक्सपर्ट नहीं है तो आपको जरूर मस्ट है कि आप सन एक्सपर्ट यूज करें। सो मैं इसी को यूज करूंगी, मैं इसी को अपने फेस पे अप्लाई करूंगी क्योंकि डेली यूज के लिए ये ही अच्छा रहता है हमारे। इसके लिए कोई भी टूल यूज नहीं करूंगी बिकॉज हम डेली यूज में इतना टूल यूज नहीं करते हैं। सो मैं इसे हाथों से ही ब्लेंड करूंगी। हाथों से भी इजीली आप अपने जो बीबी क्रीम होती है उसको इजीली ब्लेंड कर सकते हैं और वो कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। थोड़ा सा मैं अपनी अंडर आई और आईलिड में मैं इसे अप्लाई करूंगी। मैं जस्ट पॉइंट के हिसाब से ले रही हूँ और हल्का सा आपको इसे अप्लाई करना है, ज्यादा नहीं क्योंकि ज्यादा जरूरत नहीं होती है डेली यूज में। बस थोड़ा सा ये होता है कि फेस अलग और आईज अलग डिफाइन होती हैं, तो उसके लिए हल्का सा, तो मैं इसी तरीके से डैब डैब करके इसे अप्लाई कर लूंगी। सो आज जो मैं कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ इट्स अ लैक्मे सन एक्सपर्ट, इट्स अ 40 SPF कॉम्पैक्ट। ये मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। मेरा अगर आपने दिवाली नायका हॉल देखा होगा तो मैंने इसे तब परचेज किया था, बट इसे मैंने आज तक यूज नहीं किया है। बट अब समर्स आ गए हैं तो मैं इसे यूज कर सकती हूँ। आप देख सकते हो मैंने इसे अभी तक यूज नहीं किया है। सो ये एक ही शेड में आता है बट ये करेक्ट शेड है, आप इसको यूज कर सकते हो और मैं इसे अप्लाई करूंगी। जो हमारा टी जोन एरिया होता है और आईलिड होती है उसे आप अच्छी तरीके से सेट करें क्योंकि यही जो एरिया होता है जहां में ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होता है और यहां से ही हमारा बीबी क्रीम या कुछ या मेकअप क्रीज होता है। सो आप इसी को ज्यादा ध्यान रखते हुए करें। ओके, तो मैं अपनी ब्राउज को फिल कर लूंगी। उसके लिए मैं यूज ले रही हूँ ये मिस क्लेयर की ब्राउ पेंसिल और मैं इससे अपनी ब्राउज को फिल कर लूंगी हल्का सा, ज्यादा नहीं बिकॉज मैं ज्यादा वैसे भी प्रेफर नहीं करती हूँ ब्राउज को फिल करना। लेकिन ब्राउज फिल करने से हमारे जो फेस का कट होता है वो अच्छे तरीके से आता है, तो मैं हल्का हल्का से फिल कर लूंगी। लाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ इट्स अ लैक्मे इनविजिबल लाइनर, बट ये उतना ज्यादा वाटर प्रूफ नहीं है, उतना ज्यादा कि मैं कहूंगी वाटर प्रूफ है ही नहीं, बट ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं तो आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, बट इसकी जगह आप जो ऑप्शन और ज्यादा अच्छे हैं वो भी यूज कर सकते हैं। मैं इसी को यूज करूंगी और लाइनर ड्रॉ करूंगी इसकी हेल्प से। नॉर्मल सा आई लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। मेबलिन का मस्कारा यूज कर रही हूँ मैं, द कोलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। ये बहुत अच्छा मस्कारा है समर्स पे, अगर आप कोई वाटरप्रूफ मस्कारा ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मेरी जो लैसेज है उनको बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है, लेंथ देता है,
तो ये मुझे बहुत पसंद है। आप इसको अगर डबल कोड अप्लाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने नॉर्मल फॉल्स आईलैशेस वेयर की हैं। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज करती हूँ। मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, लिपस्टिक के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ इट्स एन वाई बेक की लिक्विड लिपस्टिक, इट्स पीची कलर। ये डेली यूज के लिए बहुत स्वीट एंड बहुत अच्छी है। थोड़ा सा मैं अपनी आईज को बिगर लुक दिखाने के लिए मैं व्हाइट काजल अप्लाई करूंगी, इट्स अ स्टेक वर्क की आई लव यू टू व्हाइट काजल, तो मैं इसे अप्लाई करूंगी। इससे बहुत लुक बहुत डिसेंट और बहुत डिफरेंट और अच्छा आता है। दिस इज माई फाइनल एंड फिनिश लुक। तो इस समर में आप इस लुक को अप्लाई कर सकते हो डेली यूज के लिए, और ये आपका स्वेट प्रूफ एंड समर प्रूफ मेकअप है। तो इन जो मेकअप को मैंने क्रिएट किया हुआ है आज ऑलमोस्ट सिर्फ एक नॉर्मल चीजों से क्रिएट किया हुआ है, जो हमारे पास मेकअप प्रोडक्ट यूज होते ही हैं। आपको कैसे उसे यूज करना है मैंने आपको वो ट्रिक बताई है। और आप चाहते हैं कि मैं किसी बारे में कुछ और वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं वो कोशिश करूंगी बहुत जल्द मैं उस वीडियो को लेकर आऊं। सो तब तक के लिए बाय बाय।